नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पानसेमल जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाले ग्राम वासलिया पानी में नानसह फलिया में संचालित प्राथमिक विद्यालय के भवन का एक भाग अचानक ही धस गया, जिसके कारण वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया है। विद्यालय के ऐसे ही भवन में विद्यार्थी पढ़ने को मजबूर है। विद्यालय के शिक्षक कुशन सिंह भोसले ने कहा कि विद्यालय भवन निर्माण को करीब 7 वर्ष हो गए हैं और करीब 5 माह के पहले भवन का भाग धस जाने की बात बताई जा रही है, जिसके निकट ही दरारें दिखाई दे रही। विद्यालय में करीब 32 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। उपस्थित ग्रामीणों ने भी विद्यालय की स्थिति सुधारने की मांग की है। शिक्षक कुशन सिंह भोसले ने कहा कि स्वयं के खर्च से करीब 1 सप्ताह के भीतर विद्यालय को रिपेयर करवाया जाएगा। इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। टीकाराम नाम है वासले पानी में, नानसिंह फलिया वासले पानी। विद्यालय को लेकर क्या समस्या है? लेकर ये पीछे वाला गड्ढा है ना, वो झुक गया है नीचे, तो इसके लिए समस्या है हमारी। क्या मांग करते सब ग्रामीण? ग्रामीण मांग करते कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चौहान है फलिया, नानसिंह फलिया है। तो हमारे स्कूल का बहुत अभी बारिश का टाइम है, तो जिधर जैसे कि बारिश होता है तो स्कूल बंद हो जाती है, क्योंकि टपकता है और स्कूल अंदर से पूरे खोखल हो रखी है, तो दीवार गिर गई। तो अभी बच्चे भी डरते हैं स्कूल आने को, और टीचर लोग क्या करेंगे, ये तो उनको पढ़ाना है लेकिन गांव वाले को भी बोलना ज़रूरी है। और हम आपसे बोलते हैं कि हमारी स्कूल है ना जल्दी से जल्दी बन जाए और सुधार हो जाए। आपसे यही विनती है। धन्यवाद।